ये टाइम है हील होने का, एडजस्ट करने का और अपना ध्यान रखने का। हेलो, मेरा नाम है इशरत और आज मैं आपको गाइड करूंगी मिसकैरेज मेडिटेशन में। मिसकैरेज से बहुत सारी औरतें अफेक्ट होती हैं। ये एक बहुत ही डीप और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। और हम समझते हैं इस एक्सपीरियंस के साथ जो दर्द आता है और जो एक प्रीशियस चीज़ खोने की फीलिंग आती है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एक पावरफुल टूल हीलिंग के लिए, मिसकैरेज मेडिटेशन। आइए शुरू करते हैं। आप किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप लेट भी सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और जैसे जैसे आप एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, खुद को अलाउ कीजिए, अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए रिलैक्स होने के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और बाहर जाती हुई सांस के साथ टेंशन और वरीज को स्लोली बाहर जाने दीजिए और आप फोकस कीजिए अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पर। टेक अ मोमेंट और एक्नॉलेज कीजिए अपने दर्द को, अपने पेन को जो मिसकैरेज के बाद आपको हो रहा है। ये एक काफ़ी मुश्किल जर्नी है मगर आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपकी मदद करेगी अपने अंदर पीस ढूंढने में और खुद को हील करने में। मिसकैरेज मेडिटेशन एक बहुत ही जेंटल एंड थेरेपेटिक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको अलाउ करेगी अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने में और कंफर्ट ढूंढने में इस चैलेंजिंग टाइम के दौरान। और ये एक सेफ स्पेस है आपके लिए। अपने एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट कीजिए, जो आप फील कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए और खुद को हील होने दीजिए। मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को पहचानने में और अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई गिल्ट है जिसे आप कैरी कर रही हैं उसको रिलीज करने में, उसको लेट गो करने में। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है खुद को प्यार देने का और अपने आप को हील होने के लिए टाइम देने का। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप एक वॉर्म येलो लाइट से सराउंडेड हैं। ये एक हीलिंग लाइट है। इस लाइट ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और इस लाइट के गर्माहट से आपको कंफर्ट मिल रहा है, रीअश्योरेंस मिल रहा है। आप इसकी जेंटल गर्माहट को महसूस कीजिए। ये आपके हार्ट को
आपके दिल को प्यार से भर रही है, अंडरस्टैंडिंग से भर रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऐसी चीज़ को खोने के बाद जिसे हम बहुत प्यार करते थे, हीलिंग टाइम लेती है और दुख मनाने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। ये मिसकैरेज मेडिटेशन आपको अलाउ करता है कि आप अपने सारे इमोशंस को प्रोसेस कीजिए। आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके साथ और आप अपना टाइम लीजिए। नेचर भी एक बहुत ही पावरफुल सोर्स हो सकता है हीलिंग का। जैसे जैसे आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर नेचुरल वर्ल्ड में जा सकें। जैसे कि बहुत अच्छा होगा अगर आप कुछ टाइम किसी गार्डन में, किसी बगीचे में या फिर किसी नदी या समुद्र के पास बिता सकें और अपने आप को अलाउ कीजिए उस सेरेनिटी, उस हीलिंग एनर्जी को खुद को हील करने देने के लिए। और आप महसूस करेंगे कि उस खूबसूरत नेचुरल जगह की हीलिंग एनर्जी आपको हील कर रही है। मिसकैरेज मेडिटेशन से इस स्ट्रॉम के दौरान, इस इमोशंस के तूफानों के दौरान आप अपने अंदर का सुकून ढूंढ सकते हैं, अपने अंदर रेजिलियंस ढूंढ सकते हैं। ये मेडिटेशन है आपकी इस जर्नी को एम्ब्रेस करने का, महसूस करने का और धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करने का। और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी होता है वो किसी रीज़न से होता है। हो सकता है अभी आप नहीं समझ पा रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मगर आप उस सुपर पावर पर या फिर गॉड पर भरोसा रखिए। हो सकता है फ्यूचर में कुछ बेहतर होने जा रहा है और उस बड़े और बेहतर का ये इंसिडेंट एक पार्ट हो। हो सकता है यही आपके लिए और बेबी के लिए बेटर था। मैं समझ सकती हूँ इस मोमेंट में इस दुख से बाहर आना काफ़ी मुश्किल लगता होगा। आप भरोसा रखिए कि यूनिवर्स के पास आपके लिए बेहतर और बिगर प्लान है। हो सकता है ये एक्सपीरियंस आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर में जो कुछ बहुत ही बड़ा और खूबसूरत आने वाला है उसके लिए, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी जो फ्यूचर में आएगा। थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए हीलिंग थ्रू मेडिटेशन में। आप ये याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं और आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। अपने ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम निकालिए और अपने आप को थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी काइंड टू योरसेल्फ and each other. See you soon.